हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पुष्प के प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। फ्रेंड, आज बात कर रहे हैं रेलवे NTPC CVT 1 परीक्षा के अपडेट के बारे में। तो अभी तक की अपडेट क्या है NTPC CVT 1 परीक्षा को लेकर, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो NTPC एडमिट कार्ड से जुड़ी हुई बड़ी खबर अभी तक की क्या है उसके बारे में बात कर लेंगे, और आपका NTPC CVT 1 एग्ज़ाम कब तक हो पाएगा उसके बारे में बात कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड ये है कि अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं या आपने कहीं नोट करके रखा और आपको वो नहीं मिल रहा है, तो आप उसे कैसे डाउनलोड कर पाएंगे या उसे कैसे वो अपना वापस ला पाएंगे, ताकि आपका एडमिट कार्ड जो है NTPC CVT 1 के लिए वो आप अपना डाउनलोड कर पाए। तो रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे वो डाउनलोड करना है या आप उसे कहां से रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड। तो 1.47 करोड़ विद्यार्थियों को एग्ज़ाम का इंतजार है NTPC एग्ज़ाम का। तो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो के ठीक नीचे ऐसे ही लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देख लेते हैं आपको रजिस्ट्रेशन कैसे डाउनलोड। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया है या आपने नोट करके रखा और वो आपको मिल नहीं रहा है NTPC एडमिट कार्ड के लिए, तो आप उसे कैसे रिकवर कर पाएंगे, तो चलिए जान लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो ये उपाय है। तो उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड चेक करने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ती है या होगी। यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। परीक्षा के लिए रजिस्टर करते ही जब आप अपना फॉर्म भर रहे थे फ्रेंड, तो उस समय आपको क्या ध्यान रखना था कि रजिस्टर करते उम्मीदवारों को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो था वो आपने दिया होगा उस समय फॉर्म भरते समय। तो उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको फिर से चेक करना है, क्योंकि उस पर एक कंफर्मेशन मैसेज भेजा जाता है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक कन्फर्मेशन भेजा जाता है, और अपने फ़ोन पर SMS आप अपना चेक करिए, उसमें लिखे रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लेना है। जी हाँ फ्रेंड, इसके दो ऑप्शन हैं। आप अगर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो पहला ऑप्शन यह है कि आप अपना मोबाइल नंबर जो फॉर्म भरते समय भरा था उसमें एक कंफर्मेशन मैसेज आता है जिसमें कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होता है, तो वो आप अपना जिस भी मोबाइल नंबर से आपने दिया था फॉर्म भरते समय उस मोबाइल के SMS सेक्शन को ज़रूर चेक करिए, जिस भी डेट में आपने फॉर्म भरा था, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने ईमेल आईडी जो दिया था फॉर्म भरते समय, जो कि मस्ट होता है, उस ईमेल आईडी को भी आप अपना जाके जीमेल सेक्शन में चेक करिए, जिस भी डेट में आपने फॉर्म भरा था, तो एक दो महीने अभी तक हो गए हैं, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे कंफर्म मैसेज के रूप में आपको ईमेल के रूप में एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा, जो कि मोबाइल और ईमेल में सेम ही होता है। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको क्या कर लेना है फ्रेंड, वो नोट कर लेना है, नोट करके अच्छे से मोबाइल में ही सेव कर लेना है, या उसका एक फ़ोटो खींच लेना है, या अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर में सेव कर लेना है, ताकि जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की बारी आए तो आप उसे आसानी से डाउनलोड कर पाए फ्रेंड। तो ये कुछ बात थी वीडियो में जो मुझे आपको बतानी थी, जो कि बहुत ही ज़रूरी थी। तो अपना ईमेल जरूर चेक करते रहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर और एडमिट कार्ड का, जो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आपके मोबाइल पर या आपकी ईमेल आईडी पर जरूर दिया जाएगा, ये रेलवे का कहना है। और जो आपका एडमिट कार्ड होगा फ्रेंड, वो एग्ज़ाम से 4 या 10 दिन पहले आ सकता है, और इसको आपको प्रिंट आउट करके रख लेना है, और ध्यान रहे कि A4 शीट पर ही इसका एडमिट कार्ड का होना चाहिए, क्योंकि इसी पर ये मांगा जा रहा है, और कोई भी इसे डाक से भेजा नहीं जाएगा, ये पहले ही बता दिया गया है। तो एडमिट कार्ड पर अपना फ़ोटो ज़रूर चिपकाइएगा फ्रेंड, क्योंकि ये मस्ट है, हर एक एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है। तो एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले वहाँ पे एक बार अपना एग्ज़ाम सेंटर ज़रूर देख ले अगर आपके पास में है तो, क्योंकि वहाँ देर से एंट्री बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप गूगल में सर्च करते हैं तो बहुत सारे मिल जाएंगे कि एडमिट कार्ड आ गया, एडमिट कार्ड आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको जो एडमिट कार्ड चेक करना है वो अपने रीजनल RRB के रीजनल वेबसाइट पर ही चेक करना है। तो मैं आपको यहाँ पे सर्किल करके दिखा रहा हूँ, इस वाले वेबसाइट पर ही आपको चेक करना है, और कहीं पे भी नहीं, क्योंकि ये RRB का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जब भी एडमिट कार्ड
आएगा तो सबसे पहले इस पर ही आएगा, तभी किसी पर वो लिंक जो होता है वो शेयर किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो बस फ्रेंड मुझे इस वीडियो में आपको यही बताना था, और मैं आपको बता दूँ एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा। तो एग्ज़ाम जो है फ्रेंड आपका सितंबर माह तक हो जाएगा, क्योंकि अभी जुलाई चल रहा है और वहाँ पर नोटिफिकेशन में पहले ही बताया गया था जून से सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम जो है वो ले लिया जाएगा। तो अभी सितंबर माह अभी नहीं आया है, तो इस माह के लास्ट तक एडमिट कार्ड आने की उम्मीद है, और आपका एग्ज़ाम जो है वो अगस्त से सितंबर में 2 महीने में कंप्लीट कर लेने जाने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि अभी इसलिए देरी हो रही है क्योंकि जेई का ऑब्जेक्शन क्वेश्चन मार्क पे चल रहा है क्वेश्चन के रूप में, और टेक्नीशियन का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे देरी हो रही है रेलवे की वजह से। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ ही दिनों में आपका एडमिट कार्ड जो वो एक हफ्ते के बाद देखने को मिल सकता है फ्रेंड। तो बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो लोग भी परेशान हो रहे हैं NTPC को एग्ज़ाम को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर, तो उन्हें ये पता लग जाए, और वीडियो दिखा दे ताकि उनको ये पता लग जाए कि अगर वो रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो इस तरीके से वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पा सकते हैं। तो फ्रेंड इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पल पल की अपडेट आपको NTPC से जुड़ा हुआ देता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।